सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपसे घर की विजिट हो रही है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। किसी के घर की हम नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ऑरा के थ्रू कैसे चेकआउट करते हैं, इसको आपको क्लियर जो लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। तो इसे ढंग से समझिए, और यदि कोई भी अपने घर का कराना चाहता है तो वो हमसे बात कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर सब आपके पास दे रखे हैं। इसके अलावा किसी के घर का वास्तु चेक करना है वो भी हमसे बात कर सकता है, वो सब दे रखा है आपको कम्युनिटी पोस्ट में, आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करिए, देखें। देखो जैसे अभी ये गेट है, हमें इस घर की पॉजिटिव एनर्जी चेक करनी है सबसे पहले ऑरा के थ्रू। ये देखिए ये घर है आपका, इस घर की पॉजिटिव एनर्जी जो है स्कैन करनी है। बकायदा आपको ऑरा स्कैनर के थ्रू पता लगेगा कि इस घर में पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है भी कि नहीं है, ये भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 50% पॉजिटिव एनर्जी बता रहा है बकायदा। ये देखिए एक बार और चेक कर सकते हैं। अगर ये बाहर जाके खुलता और आपका, तो आप ये समझ लीजिए इसमें नेगेटिव एनर्जी पूरी पूरी है, पॉजिटिव है ही नहीं। लेकिन अभी ये जो है आप देख रहे हैं कि ये हाफ खुल रहा है, इसका मतलब 50% पॉजिटिव एनर्जी इस घर में है। बाकी 50% जो डाउन है उसका ये इशू हो सकता है कि कोई इसमें जो है वास्तु बिगड़ा हो, या फिर कोई जो है नज़र दोष हो, वो भी फाइंड आउट किया जाएगा इसी के थ्रू, या फिर कोई जियोपैथी स्ट्रेस हो कोई भी लाइन, वो सब फाइंड आउट किया जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, वो हम जो है इस घर में आगे चल के पता करते हैं कि हम इसको ऑरा के थ्रू, ये जो इसकी मास्केबल है, इनको हम लेके जाते हैं। इसके बाद ये बताता है हमें कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी कहाँ पर है, या पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करें तो किस जगह पे हम क्या करें जिससे कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी एनहांस हो सके। तो अभी फिलहाल ये छोटी सी वीडियो आपके सामने ये रखी गई है कि किसी के घर की हमें पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है। घर का वास्तु भी हम चेक करने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, तब भी हमें ये फाइंड आउट करना ही पड़ता है कि उस घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। जय श्री कृष्ण।